हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज रहे होंगे 5:15 का टाइम। आ गए हैं अस्सी घाट और अभी मैं आपको पूरा घाट घुमाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये गए हैं गाड़ी पार्किंग में लगाने, तो बस गाड़ी पार्किंग में लगा के आ जाएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्टिंग में आपको बैक कैमरे से सारी चीज़ें दिखाऊंगी, फिर फ्रंट कैमरे से भी बीच बीच में अगर पॉसिबल हो सका तो बातें करती रहूंगी। और अस्सी घाट बहुत फेमस है बनारस का, आप सब जानते ही हो। तो सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अस्सी घाट और हम जा रहे हैं अभी घाट के अंदर। तो ये आप देख सकते हो अंदर का नज़ारा और काफ़ी यहाँ पर रश है, सभी लोग आए हुए हैं इंजॉय करने, सभी लोग मस्ती पानी करने और टाइम स्पेंड करने आए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर गंगा आरती तो हर घाट में होती है शाम को, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। और स्पेशली एकदम ना एक जैसे लाइक का क्या बोलते हैं, मेला मेला जैसे लगा हुआ है, खूब सारे झूले हैं, एक सा एक एक तरफ खाने पीने के स्टॉल हैं, लोग बोटिंग कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जाना ना थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है और फ्रेश एयर और व्यू तो ऑसम है। गंगा का किनारा है और पूरा चारों तरफ से सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, चारों तरफ बोटिंग हो रही है, सभी लोग, कुछ लोग घाट के उस पार हैं, कुछ लोग घाट के इस पार हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे ये देखो अक्षत कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अक्षत को यहाँ पर जंपिंग करनी थी तो यहाँ पर कंट्रोल करके जंपिंग करने आ गया है। और आद्या को बलून लेना था। सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ बनारस आने के बाद ना, मतलब पूरा बनारस देख करके ना, अभी तक तो सिर्फ टीवी में ही देखा था, तो टीवी में ही देखा था और आज सामने से देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो आज तो टाइमली आ गए हैं, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे ना जो नदी में छोटी छोटी चिड़िया आती है ना, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे जब प्रयागराज में भी संगम में ना बहुत छोटी छोटी चिड़िया आती हैं और इस समय तो प्रयागराज में बहुत रौनक होगी। और इनको ना सारा इंजॉय करना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कहीं भी इंजॉय करना है। वरुणा नदी और अस्सी घाट मिलकर के, मतलब अस्सी घाट मिलकर के बना हुआ है वाराणसी, तो इसीलिए वाराणसी का ऐसा नाम है कि वरुणा नदी और अस्सी घाट मिलकर के वाराणसी हुआ है। तो देख सकते हो आप कितना यहाँ सारे बच्चे इंजॉय। हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने और अस्सी घाट आए हैं और बोटिंग ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये बोले चलो अभी वोटिंग का टाइम है। वैसे शाम हो गई है, शाम के समय वोटिंग करते समय और अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग नहीं उधर नहीं, घाट लेके जाएगा, यहाँ 4 किलोमीटर घुमा के लेके आएगा, एक घाट तक जाएगा घुमा के लेके आएगा। आइए भैया घाट।
ये लो, यही तुम करती हो ना। और शाम का टाइम है और सनसेट का टाइम हो चुका है, मतलब सूरज डूबने वाला है। और ढलते हुए सूरज का नज़ारा और व्यू या तो आप समुद्र में देखिए या फिर नदी में देखिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग को सनसेट भी देखने को मिलेगा। तो मुझे ना तो बहुत क्रेज़ है, मतलब जब सूरज उगता है और जब शाम को ढलता है, दोनों बार ना देखना मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब मुझे उस टाइम लगता है कि एक थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ और इस नेचुरल व्यू को इन्जॉय करो। तो यह आप देख सकते हो गंगा नदी, और काफ़ी अच्छा लगता है गंगा जल को देख करके। और मुझे तो मतलब मेरे मायके से लेकर के प्रयागराज और अगेन वाराणसी में भी गंगा जी मिल गई हैं, तो इनसे तो मेरा बहुत ही ख़ास रिश्ता है। और चारों तरफ बोट ही बोट है, अलग अलग तरीके की बोट्स हैं, कुछ सिंपल वाली हैं और कुछ मल्टी स्टोरी वाली है, तो देख सकते हो। और अब हम कर रहे हैं बोटिंग और पूरी मतलब पूरा असी घाट से लेकर के और पूरे सभी घाटों घाटों पर ये बोट पूरी घुमाई जाएगी, और इसी से हमें हर एक घाट का व्यू देखने को मिलेगा, नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, और पूरे 6-7 किलोमीटर की रेंज में ये जो है बोटिंग कराते हैं, और ये सबसे मतलब मस्त लगता है। और ये आप देख सकते हो सनसेट ऑसम लग रहा है एकदम, अभी बस सूरज अब ढलने वाला है। और ये आप व्यू मतलब ऐसा व्यू है ना कि थोड़ी देर के लिए मन ही मतलब खो जाता है इसमें, और कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ये तो मुझे बार बार कह रही थी कैमरा रख दो इन्जॉय करो, बट मुझे तो ब्लॉगिंग करनी थी, आप लोगों को जो दिखाना है तो आप लोगों को तो दिखाना बनता ही है। और चलो अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को भी दिखा देती हूँ। और ये देखो आज मेरा जो लुक है ना वो बहुत सिंपल सा है, कभी कभी ज़्यादा तैयार होने का मन नहीं करता है, तो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से आज मैं तैयार हुई हूँ। मेरा बिल्कुल भी बहुत मन नहीं कर रहा था रेडी होने का, और बच्चे भी मेरे साथ होते हैं ना तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, खुद को भी मुझे देने का, एक्चुअली मुझे सच बताऊँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये देख सकते हो, और दोनों बच्चे इनके पास है, ये बिज़ी रखे हुए हैं उनको, तो दोनों लोग मस्त हैं एकदम। और चलिए आप लोग भी इस नेचुरल व्यू को एंजॉय करिए। और ये देख सकते हो ना आप, इस तरीके से पूरे घाट मतलब इतने सारे घाट हैं, मतलब काउंटिंग करते करते थक जाओ, तो लाइन से सारे घाट हैं, छोटे छोटे से हैं, और बोट करते करते आप सभी घाटों को घूम लीजिए, सभी घाटों का व्यू देख लीजिए। और यहाँ के जो दशाश्वमेध घाट की आरती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और वैसे तो आरती जो है वो सभी घाटों में होती है, बट दशाश्वमेध घाट की ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पर अक्षत ने लाइफ जैकेट भी पहन लिया है, अक्षत को लग रहा है कि मैं मतलब ये इन्होंने पहले ही बोट में चढ़ते ही बोल दिया कि पापा मुझे लाइफ जैकेट पहननी है, तो इन्होंने इनको पहना दिया है। और बहुत सारी जो बोट्स हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब सभी लोग बैठे हुए हैं, मतलब भर भर के जा रही थी, और जिसमें हम बैठे हुए हैं बस 2 या 3 फैमिली हैं, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग बैठ करके इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। और थोड़ा सा भीड़ भाड़ अवॉइड भी करना चाहिए, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और जो नदी के उस पार मतलब जो गंगा रिवर के उस पार का व्यू है ना, तो पूरा रेत है, और वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज तो हम सिर्फ घाट इंजॉय करेंगे। और यहाँ भी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
और हाँ, अगर किसी दिन फिर एक बार आएंगे तब हम उस पार जाएंगे और वहाँ का भी आपको व्यू दिखाएंगे। और मुझे तो ना, मुझे सबसे ज़्यादा, मैं सही बताऊँ तो मुझे वोटिंग करना बहुत पसंद होता है। और जहाँ कहीं भी मतलब मुझे ऐसे वोटिंग करने का मौका मिल जाता है ना, वहाँ मैं मौका छोड़ती नहीं हूँ। और यहाँ पे ये मुझे चिढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा मत झुको नहीं पानी में ही गिर जाओगी, तो मैंने कहा कि ठीक है गिर जाने दो। तो होता है, हस्बैंड लोगों का चिढ़ाना भी शुरू हो जाता है। और ये आप देख सकते हो कितना शुद्ध जल है, बीचों बीच की जो धारा होती है ना गंगा की, वो उसका जल बहुत साफ होता है, एकदम नीला नीला सा दिखता है, बहुत साफ होता है। और हम बॉटल लाना भूल गए, वरना हमें गंगा जल भी भरना था पूजा के लिए, शुद्ध जल मिल जाता, लेकिन बॉटल ही लाना भूल गए तो कैसे ले। तो चलो नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे तो ज़रूर गंगा जल भरेंगे। और एक चीज़ और है कि बनारस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी और ये आपको दिखा सकते हैं, ये वाली बोट कितनी अच्छी लग रही है और कितना अच्छे से इसमें डेकोरेशन हुआ है। आई थिंक किसी का कुछ सेलिब्रेशन होगा इसमें। और देख सकते हो इसमें लोग भी बहुत सारे हैं, तो बहुत इंजॉय। लोग बोटिंग करके आ गए हैं और बहुत मज़ा लगा। पूरे 4-5 किलोमीटर तक हम लोगों ने बोटिंग करी और बोटिंग में ही हमें सारे घाट देखने को मिले। तो बहुत छोटे 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 घाट थे और बहुत इंजॉय किया। और शाम हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही थी, तो हल्की हल्की ठंड। अभी ज़्यादातर लोग सभी जितने थे बोटिंग कर कर के लौट रहे हैं और बस अब हम थोड़ी देर ही रुकेंगे क्योंकि बच्चों को ठंड लगने का भी डर रहता है ना, तो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे और निकलेंगे बस थोड़ी देर के बाद। तो चलो अभी हम परेशान कर रहे हैं कि लेना है ये लेना है, तो बच्चों का होता ही नहीं, कहीं भी कुछ भी दिख जाता है ना तो इनको लेना ही लेना है। उनके साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, देखते हैं क्या फाइनली उनके लिए लगे हुए हैं ये दिला देते हैं। तो चलिए, और अब पेट पूजा का टाइम आ गया है तो हम आ गए हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट पर देख करके तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट ना बिल्कुल जैसे लगता है ना हम किसी गांव में आ गए हैं ऐसा है। सब कुछ मतलब गांव की स्टाइल में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चारपाई वगैरह बिछी हुई है और यहाँ पत्तल में ही सबको खाना मिलेगा। और आद्या को मैंने आराम से बिठा दिया है क्योंकि बच्चे यूनो बहुत ज़्यादा देर तक घूमने के बाद ना थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, तो रिलैक्स हो जाएगी आराम से बैठी हुई है। और यहाँ से मतलब इस जो रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है गंगा जी का, और पूरा व्यू यहीं से ही दिखता है। तो चलिए अभी आपको मैं यहाँ से भी व्यू दिखा देती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें तो फीलिंग आ रही है कि जैसे हम घर में बैठ के खाना खा रहे हो, पत्तल वगैरह, और सभी लोग, शाम का टाइम है तो काफ़ी भीड़ भी है। और यहाँ का जो ड्रेस कोड है आप देख सकते हो, जो यहाँ के वेटर वगैरह इनका ड्रेस कोड भी बिल्कुल गांव स्टाइल का है, धोती कुर्ता। और हम लोग खाने आए हैं चोखा बाटी, और यहाँ की जो चोखा बाटी है वो काफ़ी फेमस है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ घाट का व्यू, पीछे देख सकते हो पूरा घाट दिख रहा है जहाँ अभी हम लोग घूम रहे थे। और थोड़ी थोड़ी यहाँ हवा भी चल रही है तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब औसम, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इसको इंजॉय करिए। कहाँ आए हो? हाँ भैया, हम तो होटल में हैं। होटल में हैं?
क्या खाने आए हो? चकाटी। चकाबटी। चकाबटी खाओगे? और यहाँ कैसा होटल लग रहा है बताओ? अच्छा, पूरा घर घर जैसे लग रहा है। यहाँ पूरा बंद हो जाए तो पूरा घर है। घर है, देखो कितना प्यारा सा घर है ना, घर जैसे है ना। नहीं, हट है, पूरा हट है। देखो किसमें खाना तुमको मिल रहा है, किसमें खाना मिल रहा है? पत्तल पे। जैसे गांव में मिलता है, जैसे गांव में मिलता है खाना, जैसे कमसरा में। और खाते पीते हम लोगों को हो गई है रात। और रात में जब लाइटें जल जाती है ना तो और भी अच्छा लगता है देखने में सब कुछ। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, पीछे गंगा जी का नज़ारा और सभी जगह लाइट्स जल रही हैं। और यहाँ का तो पूरा सब कुछ गांव का है। और ये पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इधर आप देख सकते हो ना, ये भी गांव स्टाइल में लालटेन जल गई है, अब आजकल लालटेन। और यहाँ पर देखो इस तरीके से पार्टी बनाई जाती है, तो बहुत टेस्टी थी, सच में बहुत यम्मी था। तो बस लास्ट में यहाँ पर बिल पे हो रहा है, तो चलिए एक बार आपको और व्यू दिखा देते हैं। और फिर लेकिन अभी अक्षत को खानी है चौमीन, तो यहाँ पर हम लोग चौमीन स्टॉल में आ गए हैं। ये देखो भैया चौमीन बना रहे हैं और बस वेट कर रहे हैं कि बन जाए तो फटाफट से खा लें और फिर यहाँ से निकलें। तो चलो अभी खा लेते हैं और अब मैं घर पहुँच कर ही आप। हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत चाय बन रही है, तो आते ही उन्होंने बोला कि चाय बना दो थोड़ी सी। और लेकिन बहुत टाइम हो गया, इतना ज़्यादा रश होता है ना, इतना ज़्यादा जाम लगता है ना कि गाड़ी निकालना ना सचमुच, टू व्हीलर निकालना इतना मुश्किल होता है, तो फोर व्हीलर कार निकालना यू नो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो बहुत टाइम लग गया हम लोगों को इसी चक्कर में, जाम के चक्कर में। और चाय में मैंने अदरक डाल कप निकाल देती हूँ, चाय बस बन जाए। और इधर ये मैंने आधे के लिए साबुदाने की खीर रख दी है, तो आधे साबुदाने की खीर खाएगी। और अक्षत के लिए मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स, तो टोमेटो ओट्स बनाऊंगी अक्षत के लिए। तो इसको ना मैं कद्दूकस कर लूँगी और कद्दूकस करके इसको ओट्स बना। सो फ्रेंड्स, चाय मेरी बन चुकी है और अब चलो चाय पी लेते हैं। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।